अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये व्लॉग मैंने ना दोपहर से स्टार्ट किया हुआ है, मतलब कि मेरी बेटी ना स्कूल गई थी और स्कूल जाकर आ गई हूँ, उसका एग्ज़ाम चालू था ना, तो बस अभी वो फिनिश करके जो घर पर आई है और उसका यूनिफॉर्म जो है ना मैंने फोल्ड करके रखना है। और कुछ जोहान के कपड़े थे, स्पाइडरमैन के जैकेट्स थी दो दो, और कल मुझे मशीन लगानी है तो मैं सारे कपड़े जो है ना वॉश करने वाले इकट्ठा करके रख रही थी। और साथ में वो भी सोच रही थी कि बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म वॉश करने लेना नहीं लेना, क्योंकि कल बच्चों की स्कूल को छुट्टी है तो देखते हैं। तो मेरी बेटी को जो ना भूख लगी थी, बोलती है कि मम्मी मुझे मैगी बना के दो, मैं वही खाऊंगी। कभी कभार देती हूँ बच्चों लोग को मैगी बना के। नहीं, जोहान को नहीं पसंद, लेकिन सारा को पसंद आती है, लेकिन ना ऐसा डेली खाएगी तो उसका मुँह ख़राब हो जाता है, फिर गीन बैठ जाती है। तो फिर मैं ना उसको कभी कभार देती हूँ बना के, लाइक जैसे हफ्ते में एक बार या फिर बहुत से बहुत हुआ तो दो बार। तो बस आज उसका दिल कर रहा था कि मैगी चाहिए मम्मी और शेजवान चटनी के साथ देना करके। तो बस मैंने तेल जो है ना रिफ़िल कर दिया, तेल नहीं था, ख़त्म हो गया था। और यहाँ पर मैं प्याज निकाल रही हूँ। आज मैंने प्लान किया है कि मैं ना आज कढ़ी बनाऊंगी, पकौड़े वाली कढ़ी। माशाल्लाह मेरी बेटी को बहुत पसंद है कढ़ी और मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मेरी बेटी को पसंद है कढ़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिए। एक तो बच्चे लोग की ऐसी बहुत कम चीज़ें होती है जो उनकी पसंद की होती है। अच्छा, प्याज मैंने चॉपर में चॉप कर लिया और हरी मिर्ची धनिया ले लिया था, इनको भी बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है। धनिया ना मैं पकौड़ों में जो है ना बहुत ज़्यादा डालती हूँ, टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। और बेसन कम डालती हूँ पकौड़ों में, ज़्यादा बेसन के पकौड़े नहीं बनाती हूँ। इसके डैडी को ज़्यादा बेसन डाल के पकौड़े बनाए नहीं पसंद। ड्राई स्पाइसेस मसालों में मैंने ना लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, बस यही डाला है। और बस अच्छे से मिक्स करके उसको रख दिया है साइड में। पानी मैंने नहीं डाला था मिक्स करते वक्त, क्योंकि ऑलरेडी प्याज का पानी तो होता ही है, नहीं तो फिर जो बैटर है पकोड़े का पतला हो जाएगा अगर पानी डालूँ तो। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो हांडी निकाली है। आपको याद होगा कि आपको मैंने बताया था काफ़ी दिन पहले ही जो है ना मैंने दो हांडी ली थी और आज मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसको लाया था तभी मैंने ऐसा वॉश नहीं किया था, ऐसे ही रख दिया था। आज इसमें बनाऊंगी चावल, बनाऊंगी कढ़ी बनाऊंगी, तो बस दोनों को मैंने वॉश करके रख दिया है। और फ्रीज से जो है ना मैंने दही निकाली है, दही एकदम थीक वाली और मस्त दही, एकदम खट्टी वाली। वैसे मैंने 3 से 4 चम्मच कुछ ही लिए होंगे दही के, क्योंकि हमारे वहाँ है ना कढ़ी बोले ना तो बहुत खट्टी नहीं खाते, इसके लिए दही कम ली मैंने। और ये दही इतनी खट्टी है ना, इसके लिए 3 चम्मच बस हो गए। बेसन डाला मैंने लगभग 3 से 4 चम्मच बेसन के हो गए, वो मेजरमेंट तो नहीं किया लेकिन अंदाज़ा है। लाल मिर्ची, हल्दी और नमक डाल के बस इसको मिक्स करना है पानी से। पानी मैं इसमें इतना ऐड कर लूँगी इस टाइम पे जितनी मुझे कढ़ी चाहिए। हाफ हांडी भर के जो है कढ़ी बनेगी, कढ़ी की क्वांटिटी जो है ना थोड़ी ज़्यादा ही होती है। इनफैक्ट सब लोग ऐसे ही करते हैं ना, जिसके भी घर में कढ़ी बनती है तो लोग ज़्यादा ही बनाते हैं, क्योंकि कढ़ी होती है ऐसी पसंद ही आती है सबको। हाँ, लेकिन एक बात और बता दूँ कि कढ़ी जो है ना मेरे घर में एक टाइम खाएंगे इसके डैडी। मैं खा लेती हूँ, मैं दोनों टाइम कढ़ी खा लेती हूँ, लेकिन इसके डैडी नहीं, वो एक ही टाइम का दोपहर में ही खाएंगे कढ़ी, रात में नहीं खाते वो। तो यहाँ पर देखिए चावल भी मैंने चढ़ा लिए हैं, स्टीम राइस, यू नो स्टीम चावल, स्टीम राइस वही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा खिले खिले चावल कढ़ी के साथ नहीं अच्छे लगते हैं। और बस स्लो फ्लेम पे जो है ना कढ़ी को मैंने पकने के लिए रखा है साइड चेंज करके। और यहाँ पर क्या ना कि बड़ा वाला बर्नल है, तो उस पर क्या ना कि फास्ट में जो है ना ऑयल भी गर्म हो जाएगा, पकौड़े भी जल्दी जल्दी फ्राई हो जाएंगे। तो ये तड़का है कढ़ी का, तड़का बाद में लगाएंगे, पहला मैं यहाँ पर पकोड़े फ्राई कर लूँ, क्योंकि कढ़ी अभी तक पकी नहीं है। ये देखिए ये अब भी जो है ना पतली है, तो हमारे यहाँ कढ़ी जो है ना थोड़ी थीक होती है, यू नो उतनी भी पतली नहीं, कहने का मतलब और उतनी भी थीक नहीं, मीडियम। तो यहाँ पर देखिए पकोड़े फ्राई हो गए हैं और एकदम मस्त कलर आने तक के पकौड़ों को फ्राई किया है। और ये तड़का था, तड़के में जो है ना मैंने तेल तो लिया ही है, लहसुन बहुत सारा लिया, लाल मिर्ची, ज़ीरा, राई, कड़ी पत्ता, बस ये डालना है और इसको कढ़ी पे डाल देना है। सूखी लाल मिर्ची भी डालती हूँ लेकिन नहीं थी, बट कोई बात नहीं, हरा धनिया डाल दिया और कुछ पकोड़े डालेंगे। हाफ क्वांटिटी पकोड़े की मैंने कढ़ी में डाल दी और ये देखिए कुछ बचा लिए मैंने। हम लोग सूखे भी खाते कढ़ी के साथ, अच्छे लगते हैं।
खाना इज डन, खाना मेरा पक चुका है लेकिन अभी तक किसी ने खाया नहीं है, बाद में खाएंगे खाना। खाना जल्दी बना लिया मैंने, और यहाँ पर जो है ना मैंने बेड से शीट्स निकाली है क्योंकि कल मुझे मशीन लगानी है, कल मेरा लॉन्ड्री टाइम है, कल मॉर्निंग में जल्दी उठना होगा मुझे। पता नहीं मैं ब्लॉग कल शूट कर पाऊँगी या नहीं, बट मैं आज ही आपको बोल दूँ क्योंकि कल कपड़ा बहुत सारा है, 2 दिन का इकट्ठा हुआ है, और 2 दिन का यकीन करें इतना सारा कपड़ा होता है ना भाई, क्या बताऊँ मैं आपको, क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर बस खाना पक चुका था तो बस उसके जो चॉपिंग के जो बर्तन थे और जो निकले थे बर्तन चाय नाश्ते के, वो सब मैं भी वॉश कर दूँगी। और फिर हॉल में आ गई थी, आज मुझे ना सोफ़ा हटाना है, कल चाय गिर गई थी, मेरे ही हाथ से गिरी थी चाय, तो जहाँ पर चाय गिरी थी वहाँ का तो मैंने साफ़ कर लिया था लेकिन सोफ़े के नीचे बहुत सारी गिरी थी, ये देखिए एकदम से नीचे चले गई थी जहाँ पर मेरा हाथ नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कल हटा ही देंगे सोफ़ा और हेल्पर से साफ़ करवा देंगे। मैं 2-3 दिन से जो है ना ढूंढ रही थी कि मेरा पानी पीने की जो बॉटलें होती है उसका ब्रश कहाँ गया करके, मैंने इतना ढूंढा और ये मुझे सोफ़े के पीछे मिला, तो देख के खुशी हुई, मुझे लगा कि कहीं गुम गया क्या, मैंने कुछ डस्टबिन में डाला या जोहान ने डस्टबिन में डाला, लेकिन नहीं, वो सोफ़े के नीचे था। तो बस हेल्पर आ गई थी, उनसे मैं पोछा लगवाऊंगी, ये देखिए लगवा रहे हैं वो, और ये मेरे वहाँ पर जो है ना 4 से 5 साल से है, जैसा कि मैं बोलते आ रही हूँ आपको, बहुत अच्छे से काम करते, तो दिल नहीं करता इनको छोड़ने का, अच्छा काम करते हैं। तो पहला मैंने सोफ़ा ही जो है ना उनसे पूछवाया अच्छे से, मतलब कि सोफ़े के पीछे का वहाँ की स्पेस मैंने क्लीन करवाई, फिर कैसा होगा कि यहाँ पर उनको अच्छे से पोछा लगाने होगा। और आज बालकनी की जो है ना मैंने अच्छे से सफाई करवाई है क्योंकि मेरे यहाँ पर प्लांट्स लगे होते हैं, पानी जब मैं डालती हूँ प्लांट्स में ना तो थोड़ा पानी गिर जाता है, वैसे डेली की बालकनी भी मेरी क्लीन करते हो, लेकिन ये जो प्लांट्स जो है ना ये हटाते नहीं, वो जाके वहीं रहते, बस साइड साइड का साफ़ करते, लेकिन आज मैंने पूरे प्लांट्स हटाए थे खुद ने, और उनको बोला था कि आप साफ़ करते जाओ, मैं प्लांट्स जो है हटाऊँगी और रखते भी जाऊँगी। ये टाइम था शाम का, मगरिब का टाइम था, अजान हो रही थी, पता नहीं आपको सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन अजान हो रही है। और मेरी बेटी का जो है ना अभी ट्यूशन टाइम है, वो ट्यूशन जाएंगी इसलिए उसका बैग जो है ना मैंने रखा हुआ है, अभी फ़िलहाल वो अरबी गई है, अरबी से आएगी तो फिर ट्यूशन जाएगी। अच्छा यहाँ से ना मैंने सारा के सॉक्स लिए वॉश करने, जैसा कि बोला कल मशीन लगानी है, तो बस सारे कपड़े इकट्ठा कर रही थी, नहीं तो फिर वो क्या होता पता है कि जब हम कपड़ा वॉश कर लेते हैं सारा, तो उसके बाद फिर मैले कपड़े फिर से नज़र आते तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। सो खे यहाँ पर मैंने खाली की हुई बॉटलें रिफिल कर दी पानी से, अच्छा मैंने सोचा था कि मैं ना दही बड़े बनाऊंगी लेकिन उसको दाल भिगानी होंगी, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया, किसी टाइम बना देंगे। और यहाँ पर जो है ना शाम का नाश्ता है, ये मैंने कुछ पकोड़े मंगाए थे, समोसे भी मंगाए हैं, और स्वीट्स में मैंने मंगाई है जलेबी, मुझे बहुत अच्छी लगती जलेबी। ये देखिए कल की प्लानिंग है मेरी, ये दाल गोश्त बनाने की, दूधी गोश्त और इसके डैडी ने हरा मसाला वो सब लेकर आया था, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गोश्त निकाला है अभी बनाने के लिए। ये देखिए मटन ले लिया था मैंने, कुछ 7-8 पीस थे मटन के, इसमें ड्राई स्पाइसेस डाल रही थी, हल्दी लाल मिर्ची धनिया पाउडर और नमक, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है, इसको मिक्स करेंगे। इसमें 2 घूंट के करीब मैंने पानी ऐड करना है और इसको प्रेशर ले लेना है, मतलब कि अच्छे से मटन को गलाना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है ये मटन ड्राई बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है, ज़बरदस्त लगता है, आप लोग एक बार बना के ट्राई करो देखे। यहाँ पर धनिया भी चॉप कर रही हूँ, और ये देखिए बच्चे लोग ने खाए लेकिन आधा आधा खाए, आधा ऐसे ही रख दिए, मैंने अभी तक खाया नहीं, मैं बाद में बैठ के यही खाने वाली हूँ सुकून से। अच्छा ड्राई मटन जो है ना बहुत मस्त लगता है, एकदम सिंपल रेसिपी है, आप लोग एक बार बना के ज़रूर ट्राई करो, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी ट्रस्ट में। कड़ी पत्ता और धनिया डाल दिया था चॉप किया हुआ, और ये ना रोटी के साथ बहुत मज़े का लगता है। जैसा कि मैंने बोला इसके डैडी कड़ी नहीं खाएंगे रात में, तो उनके लिए मैंने बनाया है रोटी, तो मैंने 3 से 4 बना ली। और कल कपड़ा वॉश करना है ना, तो मैंने सर्फ मंगा लिया था, और देखिए मैंने ना 1 kg का पैकेट मंगवाया था बड़ा, लेकिन अंकल ने जो है ना इसे 10-10 वाले पैकेट ला के दे दिए। वाह क्या है ये जवान? काइट। काइट बनाया जवान ने? हाँ। वेरी गुड स्मार्ट बॉय।
इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे, फिर से मुलाकात होंगी आप सबसे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।